नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त नंदन और आप देख रहे हैं सीएनडीसी बाय नंदन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 20020 5 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग आप कैसे करेंगे। तो अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के साथ बने रहें। इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें एसीएनडीसी बाय नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, जैसा कि देख सकते हैं, ये हमारा 20020 का ट्रांसफार्मर। प्राइमरी हमने 220 वोल्ट की रखी है और सेकेंडरी 020 और इधर 20, यानी आप इसे कुछ इस तरह भी समझ सकते हैं। ये 0 से अगर यहां से आप इसे यहां तक नापेंगे तो आपको 20 वोल्ट मिलेगी और यहां से यहां तक आपको 40 वोल्ट मिलेगी। 20 वोल्ट हमारी कंस्टेंट हमारी लूप के ऊपर मिले, इसलिए हम यहां में 22 वोल्ट की लूप निकालेंगे। जैसा कि ये देख सकते हैं, 0 पे आपने वाइंडिंग स्टार्ट की, पहला लूप 22 वोल्ट पे और दूसरा 44 वोल्ट पे। दोस्तों, इस ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए 20020 5 एम्पीयर के ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हम जो कोर इस्तेमाल में लेंगे वो लेंगे 3 नंबर की कोर। और दोस्तों, 3 नंबर की कोर होगी और 2 इंच का स्ट्रैक होगा, ठीक है। 3-2 में हम इस ट्रांसफार्मर को बनाएंगे। दोस्तों, किसी भी ट्रांसफार्मर की टर्न्स को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले जो ई पीस की जो बीच वाली पट्टी होती है, इसकी चौड़ाई आपको लिखनी है। तो यहां में है इसकी चौड़ाई 1.25 इंच, 1.25 इंच। तो सबसे पहले इसे लिखेंगे 1.25 इंच और इसे हम गुना करेंगे इसके स्ट्रैक के साथ। दोस्तों, स्ट्रैक होती है ट्रांसफार्मर की मोटाई। जैसा कि मैं आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं यह है ट्रांसफार्मर और इस ट्रांसफार्मर की जो ये मोटाई है इसे हम कहते हैं स्ट्रैक। तो इसकी स्ट्रैक हम रख रहे हैं इसमें 2 इंच। तो 2 इंच जो हमने यहाँ में लिखा है इसकी स्ट्रैक, तो उसे हम फिर से यहाँ में लिखेंगे और इन दोनों को हम आपस में गुना करेंगे। यहाँ में लिखेंगे 1.25, इसे हम गुना करेंगे 2 के साथ। दोस्तों, हमें जो यहाँ में रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 2.5। ये हुई हमारी स्क्वायर इंच, 2.5 ये हुई हमारी स्क्वायर इंच, ठीक है। अब दोस्तों, हमें क्या करना है कि 7.5 में भाग देना है 2.5 के साथ। ये 7.5 हमारी फॉर्मूला है जो हम C6 या फिर 92 जैसे कोर के साथ इस्तेमाल में लेते हैं। अगर कोर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो इसके जगह हम 8 का इस्तेमाल करेंगे, बाकी कैलकुलेशन बिल्कुल सेम होगी, ठीक है। तो दोस्तों, सबसे पहले 7.5 में हम भाग देंगे 2.5 के साथ, सॉरी यहां पे 2.5 के साथ 2.5। दोस्तों, हमें जो यहां में रिजल्ट मिल रही है वो मिल रही है 3। ये 3 क्या हुई? ये हुई टीपीवी, यानी कि टर्न्स पर वोल्ट, ये हुई 3, ठीक है। यानी कि इस ट्रांसफार्मर के अंदर अगर हमें 1 वोल्ट ड्रॉप करना है तो उसके लिए हमें 3 टर्न डालना होगा, और 1 वोल्ट अगर वापस लेना है तो इसके लिए भी हमें यहां में 3 टर्न डालना होगा। तो इस हिसाब से 220 वोल्ट के लिए हमें कितना टर्न देना होगा? तो सबसे पहले लिखेंगे 220 और इसे हम गुना करेंगे 3 के साथ। दोस्तों, हमें जो यहां में रिजल्ट मिल रहा है वो मिल रहा है 660। तो इस प्राइमरी के अंदर हम 660 टर्न लगाएंगे इस 220 वोल्ट के लिए, और जैसा कि सेकेंडरी के अंदर 20 वोल्ट की जगह हमने 22 वोल्ट लिया है, तो 22 को हम गुना करेंगे 3 के साथ। हमें जो रिजल्ट मिला वो मिला 66। तो सबसे पहले 0 से वाइंडिंग स्टार्ट होगी, 66 टर्न्स के ऊपर आप इसकी पहली लूप निकालेंगे, दूसरी लूप भी हम 66 टर्न के ऊपर निकालेंगे। और दोस्तों, हम इसमें जो गेज यूज करने वाले हैं, प्राइमरी के अंदर 25 नंबर, सेकेंडरी के अंदर 18 नंबर। और दोस्तों, कुछ इसी डेटा के अकॉर्डिंग आप बनाए अपने लिए एक ट्रांसफार्मर 20020 5 एम्पीयर की, काफी अच्छी तरीके से काम करेगी। हो सकता है कि जब आप इसकी वाइंडिंग करें तो कोर के साइड में थोड़ी सी जगह खाली मिल जाए। खैर, कोई नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रांसफार्मर बना रहे हैं तो आप 2 इंच ही कोर रखें। जब आप एक बार बना लेंगे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि आप जितना टाइट कर पा रहे हैं ट्रांसफार्मर को उसमें कितनी जगह बचती है, तो उस हिसाब से बाद में आप उसकी स्पेस को कम कर सकते हैं। कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी, कुछ इसी तरीके से आपको कैलकुलेट कर लेना है, उस गेज बिल्कुल सेम रहेगी। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी बनाई वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको आई पसंद तो प्लीज लाइक करें, और आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
सब्सक्राइब करें ACNDC बाई नंदन चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।